एक बूढ़ी खातून ने रेडियो स्टेशन फ़ोन किया कि वो कई दिनों से भूख से सिसक रही है और कई दिनों से सिर्फ सूखी रोटी और पानी पर गुजारा कर रही है, और कहा कि अल्लाह की राह में उसे कुछ खाने के लिए दिया जाए। एक मुनकरे खुदा भी उस वक्त रेडियो पर बैठा इसकी गुफ्तगू सुन रहा था। इसको एक मजाक सूझा, इसने खाने पीने की अशिया खरीदी और इस बूढ़ी औरत का एड्रेस मालूम करने के बाद अपने नौकर से बोला कि जाकर इस बूढ़ी औरत को दे आओ, और जब वो पूछे कि ये किसने भेजा है तो बताना ये शैतान की तरफ से तोहफा है। घंटी बजी, दरवाजे पर नौकर खाना लिए खड़ा था। वो बूढ़ी औरत इतना ज़्यादा खाना देखकर बहुत खुश हुई और जल्दी से सारा खाना अपने घर के कोने में रखने लगी। ऐसे में नौकर ने पूछा, माँ जी, क्या आप ये नहीं जानना चाहेंगी कि ये सामान किसने भेजा? ये सुनकर बूढ़ी औरत बोली, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं कि किसने भेजा, मगर इतना मालूम है जब मेरे रब का हुक्म आता है तो शैतान भी हुक्म की तामील करता है।